नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण यात्रा निकली। भव्य रूप से आजमगढ़ के जहानागंज में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। शहर से गांव तक गूंजता रहा जय श्री राम का जयकारा। श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत शुक्रवार को जहानागंज अभियान प्रमुख गोपाल कृष्ण दुबे के नेतृत्व में जहानागंज राम शिव मंदिर मवेशिया से जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। जन जागरण पदयात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष महिला राम भक्तों ने हिस्सा लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। यात्रा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत हवन पूजन करके शुभारंभ किया गया। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जयकारों से गूंजा। यात्रा जहानागंज शिव मंदिर से शुरू होकर कुसरना परदेशी मोड़ गुधौरा बसगित मोड़ समेदा इटौरा करणपुर चकरपाटपुर मेडिकल कॉलेज दौलताबाद भुजई होते हुए राम जन्मभूमि अभियान के जहानागंज कार्यालय पर पहुंचकर समापन हुआ। यात्रा लगभग 21 किलोमीटर की थी। यात्रा में आगे आगे ढोल नगाड़े डीजे के साथ साथ सैकड़ों मोटरसाइकिल और सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा में शामिल थे। यात्रा के प्रमुख आयोजक गोपाल कृष्ण दुबे ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण यात्रा में शामिल हुए हैं और हम लोगों के पूर्वज परिकल्पना करते थे कि रामराज आएगा। मंदिर बन जाने के बाद राम के पदचिन्हों पर चलकर ही रामराज संभव है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पूरे देश से सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है और सभी लोग विशाल मंदिर बनने में सहयोग कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम जी अब तक टेंट में विराजमान थे, अब विशाल मंदिर में विराजमान होंगे, ये सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। संवाददाता विक्रांत उपाध्याय की रिपोर्ट। गुरु जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। आज राम भव्य निर्माण के लिए जन यात्रा पद यात्रा निकाली गई जो 21 किलोमीटर तक चली है, क्या उद्देश्य है, परिचय देते हुए बताएं सर। फंड अभियान प्रमुख श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण प्रमुख जहानागंज ब्लॉक, जो हम लोगों ने 21 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली, उसका यही उद्देश्य है कि गांव-गांव प्रत्येक हिंदू को जगाना। लोग जाने की इस रैली के माध्यम से लोग जाने क्यों की जा रही है तो भगवान राम जी का गाना गवाते हुए उनका नारा लगाते हुए हम लोगों ने प्रत्येक हिंदू को जगाने का प्रयास किया। यही इसका उद्देश्य था कि सब हिंदू जाने और भगवान की राम के कार्य में जो भगवान का दिया हुआ है अपना कुछ अंश निकाल करके भगवान के श्री राम के निर्माण में मंदिर निर्माण में अपना सहयोग अवश्य करें। क्या अपील करना चाहते हैं जहानागंज वासियों से? आप जहानागंज वासियों से हम यही अपील चाहते हैं कि जो लोग ने भगवान को दिया है अपने कमाए हुए धन में से भगवान के लिए भी कुछ समर्पण करें। जगह जगह गुरुजी नारे लग रहे थे राम राज आएगा, तो क्या मंदिर बन जाने से राम के पद चिन्हों पर लोग चलने का प्रयास करेंगे? मंदिर बनने का जो लक्ष्य लिया गया है कि प्रत्येक हिंदू घर से पैसा जाए बनाने के लिए, तो अनेक कंपनियाँ हैं, कोई एक भी कंपनी बना सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि अगर हर हिंदू घर से पैसा जाएगा तो हर हिंदू जिस दिन वह भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने जाएगा, राम का दर्शन करने जाएगा, जब उनके दहलीज पर अपना कदम रखेगा तो यह अपना सीना ठोकेगा कि हमारा भी इसमें 10 रुपया लगा, हमने भी अपना समर्पण किया है। इसलिए यह राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बने, जब राष्ट्र मंदिर बने जन जन की भावना जुड़ी रहेगी तो रामराज कोई असंभव बात नहीं है, रामराज अवश्य आएगा। श्री राम का जय श्री।